भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म जयंती के अवसर पर राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म जयंती के अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि मिंटो हॉल में ठाकरे जी के नाम से लाइब्रेरी बनेगी। सीएम ने कहा कि आज जन्माष्टमी पर्व के साथ हम कुशाभाऊ ठाकरे को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने देश में सुशासन के लिए काम किया और उनका जनसंघ से लेकर बीजेपी के संगठन तक योगदान रहा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि ठाकरे जी ने संगठन चलाने की पद्धति की शुरुआत की थी। उनकी सुचिता की राजनीति हर कार्यकर्ता कर रहा है। हर किसी को उनका एक गुण अपने जीवन में लागू करना चाहिए। आज हम सबके लिए दोहरा एक तरह से ये भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी का आनंद का पर्व भी है और एक ऐसे महापुरुष को स्मरण करने का भी दिन है जिनने हम अगर कहीं कल्पना करें तो थोड़ी सी तुलना करें तो कई मामलों में भगवान कृष्ण के कई आदर्शों को कुशाभाऊ जी ने अपने जीवन में अंगीकार किया, उसको अपनाया। निर्लिप्तता से अपने बजाय पूरे समाज को आगे रख करके जिनने चलने का व्रत संकल्प लिया और एक आजादी के साथ ही जैसे देश में सुशासन के लिए, प्रजातंत्र की स्थापना के लिए राष्ट्रभक्तों का एक आह्वान हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब किया तो अपने अपना जीवन पूरा समाज के लिए अर्पित करने वाले व्रतधारी लोगों में से कुशाभाऊ ठाकरे जी का भी एक नाम। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म जयंती है। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी का पूरा हमारा वरिष्ठ नेतृत्व, श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म जयंती के अवसर पर हम सब लोगों ने ठाकरे कन्वेंशन हॉल के अंदर सभी ने पुष्पांजलि अर्पित की है। ठाकरे जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने एक कार्यकर्ता, एक आदर्श कार्यकर्ता कैसा हो सकता है, वो सारे गुण और वो अथक मेहनत और परिश्रम श्रद्धेय ठाकरे जी ने इस मध्य प्रदेश से लेकर के पूरे देश के अंदर किया। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।